हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू मस्ट बी इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड मस्ट बी स्टडिंग वेल आल्सो। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आपके सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर आपकी बुक का सबसे आखिरी चैप्टर है, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, या जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये चैप्टर नंबर 20 आपकी बुक में है। स्टूडेंट्स, सो फार वी हैव डिस्कस्ड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और हम एक जनरल एंट्री के रूप में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जनरल एंट्री के एंट्रीज़ को हम पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स में, और लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये हम करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग में। और ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, एक छोटा व्यापारी, एक ग्रोसरीज की दुकान चलाने वाला, या कोई बिजली का सामान बेचने वाला, या कोई और छोटा कारोबार करने वाला व्यापारी, जिसको इन सब अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, जिसको नहीं मालूम व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको नहीं मालूम व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा, वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालेगा, इसी बात को समझाया गया है आपके इस चैप्टर के अंदर। इट मीन्स जो टिनी बिजनेसेस हैं या छोटे कारोबार जिनके हैं, दे फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। वो यूजली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कितने की परचेजेस करिए कैश में उसको एक जगह लिख लेंगे, और कितने की कैश सेल करिए उसको एक जगह लिख लेंगे। इसके अलावा एक काम वो और करते हैं, किन से कैश अभी लेना है उसको नोट करेंगे, और किन को कैश देना है उसको नोट करेंगे। इसके अलावा उनको और कुछ नहीं आता है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि एक तो वो कैश बुक मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर कैश की कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। इसके अलावा वो डेटर्स और क्रेडिटर्स मेंटेन करते हैं, जिसमें आप वो लिखते हैं कि किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है। इसके अलावा उन्हें और कोई अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं आता है। इट मीन्स नो सेट रूल्स ऑफ अकाउंट्स आर फॉलोड। इवन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ये भी सर्टेन नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, सिंपली कैश बुक मेंटेन कर लेंगे या डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। और क्योंकि ये सब अकाउंट्स मिसिंग होते हैं, ना तो लेजर अकाउंट्स होते हैं, ना ट्रायल बैलेंस होती है, ना ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इस सिस्टम को बोला जाता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एंड बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिनको हम टिनी बिजनेसेस भी बोलते हैं, वही इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। बिकॉज देर इज़ नो नीड ऑफ एक्सपर्टीज, देर इज़ नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारी खामियाँ भी हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस सिस्टम में है, दैट इज़ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव्ड। क्योंकि जब आप लेजर अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे हैं, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसे प्रूव होगी? चांसेज ऑफ एरर या मिसचीफ या फ्रॉड के पूरे पूरे रहेंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे दिखाई देता है वो ये है कि आप प्रॉफिट और लॉस की एक्यूरेट फिगर नहीं निकाल सकते, जब इस सिस्टम में ना तो रियल अकाउंट्स बन रहे हैं, ना नॉमिनल अकाउंट्स बन रहे हैं। मींस ना तो एसेट्स अकाउंट बन रहे हैं, ना एक्सपेंस अकाउंट बन रहे हैं, तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस की फिर एक्यूरेट फिगर कैसे निकल सकती है? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम समझते हैं कि इस सिस्टम के अंदर प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट और लॉस कैन बी असर्टेन्ड बाय टू मेथड्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन कौन से दो मेथड्स हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स, और दूसरा मेथड है कन्वर्जन मेथड। आज हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स। इसमें विदाउट एडजस्टमेंट भी होता है और विद एडजस्टमेंट, मतलब थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी एंट्रीज आती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए अब हम समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो छोटा व्यापारी है, उसके पास प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो देखेगा कि मैं इतना पैसा लेके चला था, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मेरे पास इतना पैसा था, और आज की डेट में मेरे पास इतना पैसा है। अगर वो इंक्रीज़ हो गया है तो प्रॉफिट है, अगर वो पहले से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है तो लॉस है। इट मीन्स प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? प्रॉफिट इज कैपिटल एट द एंड, जिसको हम बोल रहे हैं कि कितना पैसा आज की डेट में है, कैपिटल
एट द एंड या क्लोजिंग कैपिटल आप कह लो, माइनस में कैपिटल एट द बिगनिंग, कितना पैसा वो लेके चला था और कितना पैसा आज है, इसको अगर वो माइनस कर देगा तो उसके पास प्रॉफिट आ जाता है, कैपिटल इन द बिगनिंग। ठीक है, यहां वो एक काम और करेगा, ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में अगर उसने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है या उसने कुछ कैपिटल विड्रॉ करी है जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, उसको भी वो हटा दे तो उसके पास एग्जैक्ट प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। जो हमारी यहाँ कैपिटल एट द एंड है, इसके अंदर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हुई है वो भी इंक्लूडेड है और जो कैपिटल विड्रॉ करी है वो भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए उसको हटाना ज़रूरी है। इसको अभी हम डिटेल में समझते हैं। चलिए अब हम थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स, यहाँ पे कैपिटल और प्रॉफिट और ड्राइंग्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको देखते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल लायबिलिटी साइड में, यहाँ कैपिटल होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल, इसके अंदर हम ड्राइंग्स माइनस करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ड्राइंग्स के बाद हम अगर कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल। प्लस में हम एक और काम करते हैं, प्रॉफिट जो हुआ है, नेट प्रॉफिट जो हमारा पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है, हम कैपिटल में उसको ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, और हमारे पास जो फिगर आ जाती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में हमको ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी मैंने आपको समझाया कि कैपिटल एट द एंड में से अगर हम कैपिटल इन द बिगिनिंग को माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन हमें इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? इसके लिए हमें जो हमने ड्राइंग्स हमने यहाँ माइनस करी है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम इसको ऐड कर देंगे, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल को हमने ऐड किया, इसको हम माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं। कैपिटल एट द एंड में से हमने ड्राइंग्स माइनस करी थी, यहाँ पर हम ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे क्योंकि इसका इफेक्ट हमको ख़त्म करना है। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल को हमने ऐड किया, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। जब हम कैपिटल एट द एंड में से ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल को माइनस करेंगे तो जो फिगर हमारे पास आएगी इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल में से अगर हम ओपनिंग कैपिटल, ये वाली कैपिटल को हम माइनस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस में ओपनिंग कैपिटल। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? अब प्रॉफिट आ गया। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं, तब आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना आई होप समझ में आ गया होगा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया है, कैपिटल एट द एंड प्लस में ड्राइंग्स माइनस में इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल माइनस में कैपिटल इन द बिगनिंग, तो आपका प्रॉफिट आ गया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैपिटल बिगनिंग कैपिटल दी हुई है, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019, और दूसरा दिया हुआ इंफॉर्मेशन कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020। इट मीन्स कैपिटल एट द एंड हो गई हमारे पास 33,800 और कैपिटल इन द बिगिनिंग हो गई 30,400। ड्राइंग्स हुआ है 1920 ड्यूरिंग द ईयर 9,600 और कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करी है और कैपिटल वो लेके आया है इसी साल में 2019-20 में 4,000, तो प्रॉफिट क्या होगा? सिंपल है, कैपिटल एट द एंड से आप शुरू करिए, कैपिटल एट द एंड है 33,800 प्लस में ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है 9,600। ठीक है, कितना हो गया ये, आप इसका साथ के साथ टोटल करते चलिए, 43,400 माइनस में इंट्रोड्यूस कैपिटल, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी करी है 4,000, ये माइनस कर दीजिए तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी हमारे पास 39,400।
इसमें से ओपनिंग कैपिटल अगर हम माइनस कर दें 30,400, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया एग्जैक्ट 9,000 रुपीज़ का। क्लियर है? बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है। हमने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया है, इंट्रोड्यूस कैपिटल को माइनस किया है और ओपनिंग कैपिटल को हमने माइनस किया। इस फॉर्मेट को स्टूडेंट्स बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। फॉर द ईयर आप लिख देंगे इस केस के अंदर 2020 अप्रैल 2020। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिए हुए थे, तो हमने आसानी से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। हमें यहाँ पे इस केस में प्रॉफिट हुआ है 9,000 रुपीज़ का, लेकिन अक्सर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होगा, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, इसके बेस पे हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। चलिए अब हम इसको समझते हैं। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एसेट्स आइटम मालूम है, टोटल एसेट्स माइनस में टोटल लाइबिलिटीज। अगर हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो हमारे पास कैपिटल आ सकती है। सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टूडेंट्स बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है, लेकिन बैलेंस शीट्स की तरह ही एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को दिखाया जाता है, और टोटल एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो बैलेंसिंग फिगर जो आती है कैपिटल आती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट्स हम अभी एक एग्जांपल को करते हैं, जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बना के देखेंगे। तो मैं अभी इसको रब करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं लेके आने वाला हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, अभी एक इलस्ट्रेशन करते हैं। ये इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स मैंने TS ग्रेवाल की बुक से ली है। इस इलस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की कुछ फिगर दी हुई हैं, जैसे कि कैश, सन्डरी डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। ये 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, 2019 की और 2020 की। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ड्यूरिंग 2019-20 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹10,000। एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ही विड्रॉ ₹3,000 पर मंथ असर्टेन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये कहता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आप 2020 इस साल का प्रॉफिट बताओ कितना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे कि हमें कैपिटल तो दी नहीं हुई है। कैपिटल निकालने के लिए हमने आपको पहले भी बताया, हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा जो बैलेंस शीट्स की तरह ही बनता है। उसमें हम क्या करेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कैपिटल होगा। तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए 2019 की फिगर्स लेनी पड़ेंगी और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए 2020 की फिगर्स लेनी पड़ेंगी। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे एज एट 31 मार्च 2019, मतलब कि इन फिगर्स को लेके चलेंगे। एसेट्स की आइटम्स को हम एसेट्स में लिख देंगे और लाइबिलिटीज़ की आइटम्स को हम लाइबिलिटीज़ में लिख देंगे, और बैलेंसिंग फिगर को हमारी कैपिटल आ जाएगी। सबसे पहले दिया हुआ कैश है 1,000 रुपीज़, आप लिख दीजिए कैश 1,000। सन्ड्री डेटर्स 39,000। स्टॉक 34,000। प्लांट एंड मशीनरी 60,000। इसके अलावा आपको दिया हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है 15,000। अब देखिए कैपिटल मिसिंग है, हम एसेट्स में से लायबिलिटीज आइटम को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। आप इसको टोटल कर लीजिए एसेट साइड को 1,34,000, और 1,34,000 में से 15,000 हम माइनस कर देंगे तो 1,19,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल इन द बिगनिंग। ये कैपिटल हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर,
ठीक है, ये जो कैपिटल हमारी है ये हमारी एट द एंड ऑफ द 2019 है, मीन्स 2020 के बिगिनिंग का है। अब हम क्या करेंगे, 2020 के लिए भी इसी तरह हम कैपिटल निकाल लेते हैं जो होगी हमारी कैपिटल एट द एंड। तो चलिए पहले एसेट्स आइटम को लिख लेते हैं और फिर लाइबिलिटीज आइटम को लिख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा कैश 900 रुपीज़। अब हमने 2020 की फिगर्स को लेना है, देन सन्ड्री डेटर्स 45,000, स्टॉक 32,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, ये सारी एसेट्स आइटम हो गए। हमें लाइबिलिटीज आइटम भी दिए हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हैं 14,900, और बिल्स पेबल भी दिया हुआ है 5,000। पहले केस में बिल्स पेबल नहीं था हमारे पास, अब सेकंड ईयर में बिल्स पेबल है हमारे पास, तो हम इसको लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे। अब इस टोटल में से हम इस टोटल को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1,57,900, और 157,900 में से अब आप ये फिगर्स को माइनस कर दें तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स, वन लैख 38,000, ये हमारी आ गई कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर अब हमें ओपनिंग कैपिटल भी मिल गई और क्लोजिंग कैपिटल भी मिल गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2020, ये वाला साल। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो हमने आपको फॉर्मेट बताया था, सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को लेंगे, हमारी जो कैपिटल थी एट द एंड, कैपिटल एट द एंड, इट मीन्स जो हमारी कैपिटल थी 31/3/2020 में, है ना, कितनी थी 1,38,000। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे क्या क्या ड्राइंग्स हैं और क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर ड्राइंग्स हैं तो हमारा ऐड हो जाएगा, और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है वो हमारा लेस हो जाएगा। तो अब देखिए, ड्यूरिंग 2019-20 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000, तो एडिशनल कैपिटल जो है ये हमारी लेस हो जाएगी, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल कितनी है 10,000 रुपीज़, ये हमने लेस कर दिया। कितना बचा बैलेंस 1,28,000, बैलेंसिंग फिगर आप साथ साथ ही निकालते चलिए। इसमें आगे चलते हैं, ही विड्रॉ ₹3,000 per month, यानी कि एक महीने में 3,000 निकाला तो 12 महीने में कितना निकालेगा 36,000। तो ड्राइंग्स को हम ऐड कर देते हैं, ऐड ड्राइंग्स 36,000। अब हमारी क्या फिगर आ गई, 1,64,000। 1,64,000 को हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। क्यों इसको एडजस्टेड बोलेंगे, क्योंकि हमने क्लोजिंग कैपिटल में से इसका एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स का इंपैक्ट खत्म कर दिया है, इसलिए ये एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे। इसके अंदर से आप माइनस में ओपनिंग कैपिटल को आप माइनस कर दीजिए। ओपनिंग कैपिटल को आप बोल सकते हैं कैपिटल इन द बिगनिंग। इन द बिगनिंग कितनी है हमारी, 119,000, 1,19,000। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फिगर आएगी वो हमारा प्रॉफिट होगा, 45,000 इज द प्रॉफिट एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम, 45,000, बस खत्म क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में ज़रूर आता है और अच्छे खासे नंबर का आता है। मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल इसमें गलती ना करें और फुल मार्क्स लेके आएँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं थी, इसको हम बोलते हैं विदाउट एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी आती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो उस तरह की एंट्रीज को लेके हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे उसको।
इसी यही फॉर्मेट रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा फ़र्क होगा, आप उसको अच्छे से समझिएगा। तब तक आप इसकी और प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के दिए हुए हैं, सिर्फ से फिगर्स चेंज मिलेंगी, बाकी फॉर्मेट आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।